नमस्कार, मैं उत्तरोन सेन आपको फिर से अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो भिंडी की तुड़ाई का है। यह हमारी भिंडी की फसल की पहली तुड़ाई है। ये भिंडी जो लगाई गई थी, इसका एक वीडियो हम लोग पहले भी दे चुके हैं। यह अप्रैल का मध्य में ये भिंडी की फसल हम यहाँ लगाए थे और ये बिना नर्सरी का डायरेक्ट हम लोग सीड सोइंग किए थे और अब करीब 40 दिन के बाद इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। ये अगले एक सप्ताह में फुल प्रोडक्शन में आ जाएगी और इसके बाद जो गर्मी के बचे हुए समय है, मई का अंत है, जून है, तो इसमें ये कंटिन्यू प्रोडक्शन रहेगा और जब बारिश आएगी तो उस समय इसका प्रोडक्शन और बढ़ेगा। क्योंकि गर्मी का समय है तो जिस तरह से दिख रहा है कि थोड़ा सा प्लांट का साइज़ में डिफरेंस है, थोड़ी सी छोटी साइज़ है, तो ये इसका ग्रोथ और बरसात के समय और थोड़ी सी ग्रोथ आएगी। और इस समय सिर्फ वीड मैनेजमेंट करना है, पेस्ट मैनेजमेंट करना है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत और पानी का, कोई बरसात में दिक्कत नहीं होती है। तो अब जो प्रोडक्शन शुरू हो गई है तो हम लोग थोड़ी थोड़ी हार्वेस्ट करेंगे और ये बिल्कुल पहली हार्वेस्ट का हम लोग वीडियो ले रहे हैं। इसमें देख सकते हैं कि सब में अभी तक नहीं आया है और काफ़ी सारे पत्तों में भी कीड़े के कारण डैमेजेस हुई है, पर ये फुल ऑर्गेनिक में है। हमने अभी तक कोई स्प्रे नहीं किया है और सिर्फ अभी तक नीम ऑयल का एक स्प्रे हो चुका है, उसके अलावा हम लोग कोई भी दूसरा स्प्रे नहीं किए हैं। तो ये फुल ऑर्गेनिक में हम लोग भिंडी ग्रो कर रहे हैं और जितना भी थोड़ा बहुत हम लोग हार्वेस्टिंग शुरू कर दिए हैं और अगला एक सप्ताह में इसका हार्वेस्टिंग फुल स्पीड में आ जाएगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। हम लोग भिंडी के लिए एक फुल वीडियो लेकर आएंगे, फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट, एक पूरा हम लोग इसको कवर करेंगे, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किस तरह से इसमें मैनेजमेंट की गई है, स्प्रे किस तरह से हम लोग नीम ऑयल स्प्रे किए हैं और कैसे हम लोग अपना खुद कहीं वर्मी कंपोस्ट इसमें देते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग अगला वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।